अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का आखिर मकदम है। अभी नफरत ही की रोज जिंदा है। जी हाँ, आज इस मौजू पर बोलने की जरूरत इसलिए हुई क्योंकि मुसलमानों में अक्सर छोटी सी बात पर खुशी मनाने की आदत है। मनसूबाबंदी नहीं, फिरासत नहीं, फिर आप इसे इल्मी दीनी माहिरीन की कमी या कमजोरी कहे या फिर सियासी माहिरीन सियासी कायद इनकी कमी कहे। हमारी हालत उस तरह है कि सोने के सिक्के को ढूंढते ढूंढते अगर चवन्न मिल जाए तो हम सोने के सिक्के की तलाश को भूल जाते हैं। इंडिया गठबंधन की जीत यकीनन कुछ हद तक इत्मीनान जरूर दिला सकती है, लेकिन मुसीबतें अभी टली नहीं है। आज संसद में तमाम कामयाब संसदों के हलफ उठाने की रस्म मुकम्मल की गई। बेलगाम के जगदीश शटर और चिक्कोड़ी के प्रियंका जारकीवाड़ी ने भी आज अपने ओहदे का हलफ लिया। एक खास बात यह भी रही कि इंडिया गठबंधन ने संविधान के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज की। आज का मौजू नफरती गिरोह जिंदा होने पर हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बार फिर भाजपा संघ आरएसएस हिंदुत्व गिरोह धीरे धीरे अपना सर उठाते हुए देखने को मिल रहा है। भले दक्षिण भारत में इसकी शिद्दत कम नजर आ रही हो, पर यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में मुसलमानों के खिलाफ वारदातें फिर से अंजाम दिए जा रहे हैं। इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है सभी जानते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन का मजबूती से खड़ा होना एक तरह से नफरती एजेंडे को शिकस्त देने के बराबर जरूर कह सकते हैं। वहीं एक सच्चाई ये भी है कि भाजपा को मुद्दों की राजनीति करना आता ही नहीं, तो मजहबी तशद्दुद जहर नफरत की राजनीति पर ही तवज्जो देना भाजपा मुनासिब समझती होगी ऐसा इन्हें लग रहा है। अभी आपने देखा होगा कि कर्नाटक में भाजपा की जानिब से पेट्रोल डीजल पर 2-3 रुपए की महंगाई पर मुस्तकिल एहतजाज किए जा रहे हैं, लेकिन इसे एक तरह का मजाक ही कह सकते हैं। यकीनन एहतजाज या विरोध करना एक लोकतांत्रिक सिस्टम को मजबूत करने के बराबर जरूर होता है। जमहूरियत में हक भी जरूर दिया गया है। जब खुद हुकूमत में थे तब तो भक्तों को महंगाई से कोई वास्ता नहीं था। 500 रुपए पेट्रोल हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कहने वाले अब 2 रुपए पर रोजाना एहतजाज कर सीना पीट रहे हैं, जबकि मोदी हुकूमत ने महंगाई के बेरोजगारी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। कहा तो यह जाता है कि 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई आज के दौर में पहुंची हुई है जो मोदी हुकूमत में, पूरी दुनिया देख रही है। खैर, मुद्दों की राजनीति की मशक भाजपा जरूर कर रही है कह सकते हैं, पर इनके लिए नफरत की राजनीति ही ठीक लगती है। तभी तो अकबरपुर में 1500 मकानात पर बुलडोजर चलाए गए जिसमें अक्सर मुसलमानों के ही तो घर थे। मस्जिद दरगाहों पर हथौड़ा चलाना तो अब इनका पसंदीदा मशगला बन चुका है। वैसे भी पहले भी यही काम किया करते थे और फिर से इसी एजेंडे की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो पूरी एक तवील फहरिस्त है, लेकिन कुछ वारदातें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास आरंग कस्बे में 7 जून को भैंसों से भरी गाड़ी उत्तर प्रदेश के 3 नौजवान ले जा रहे थे। ये तीनों सदाम कुरैशी, तहसीन उर्फ गुड्डू और चांद मियां थे, जिन्हें गौ तस्करी के इल्जाम में बजरंग दल के कुछ कारकुनान ने देर रात पीछा किया और इन्हें पकड़ लिया और इनके साथ मारपीट की। जानकारी के मुताबिक आरंग रोड पर बने पुल से इन्हें नीचे फेंक दिया गया, इन्हें जान से ही मार दिया गया, जिसमें गुड्डू और चांद की मौके पर ही मौत हो गई। सद्दाम का 10 दिन इलाज चला और पुलिस को बयान देने से पहले ही इनकी मौत हो गई। मतलब अपने आप को गोरक्षक समझने वाले बजरंग दल के गुंडों ने भैंसों की ट्रक ले जा रहे कुरैशी जमात के 3 अफरादों की मॉब लिंचिंग कर उन्हें जान से मार दिया और फिर जान से मारकर इन्हें पुल के नीचे फेंक दिया। छत्तीसगढ़ और यूपी में फिर से इस तरह की वारदातें अचानक बढ़ने की बात कही जा रही। सभी जानते हैं कि यूपी में योगी की हालत क्या हुई है। अब तो वजीर आला के ओहदे से ही हाथ धोने की नौबत आई है। जाहिर है फिर से नफरती एजेंडा चलाने के पीछे एक ही मकसद हो सकता है और वो है कि इन्हें मुद्दे की राजनीति करना नहीं आता। अब तो फिर से धर्म की राजनीति ही करते रहे और इन्हें भरपूर कामयाबी भी इसी में हासिल हुई है। एक और वीडियो देखिए वजीर आजम मोदी का, इसमें मुस्लिम तालिबे इल्म से जय जगन्नाथ कहते हुए देखने को मिल रहा है। क्या इस तरह का रवैया वजीर आजम को जेब देता है? इसलिए कहते हैं कि इंसान की आदत बदल सकती है, फितरत नहीं। गुजरात दंगों से चलते आया हुआ यह सफर अब तक जारी है। अब इन्हें नफरत ही रच बस गई है तो क्या कर सकते हैं। जब मुस्लिम तालिबे इल्म सैफ सिद्दीकी हुसैन जब वजीर आजम से मुखातिब होकर बात करना चाहते हैं तो जानबूझकर जय जगन्नाथ कहते हुए देखा जाता है। एक बार नहीं बल्कि 2 बार इसी को वजीर आजम दोहराते हुए देखने को मिलता है, जबकि जय हिंद भी कह सकते थे, संविधान की जय कह सकते थे, लेकिन अपने आप को अवतार साबित करने की जल्दबाजी वजीर आजम मोदी को लगी हुई है। पहले जय श्री राम कहा करते थे, अब चुनाव के बाद थोड़ा नीचे आ चुके हैं, लेकिन जब से भाजपा को बहुमत नहीं मिला तो ट्यून चेंज करके जय जगन्नाथ कहने पर मजबूर हो चुके हैं। लेकिन बात एक वजीर आजम की है,
पूरे मुल्क का वो जिम्मेदार शख्स है और वो हल पे कसम भी खाता रहता है। वज़ीर आज़म किसी मखसूस मजहब का नहीं होता और वो ना हो सकता है, फिर कसम क्यों खाई जाती है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा, यानी मुल्क के इत्तेहाद को बरकरार रखूंगा और आईने हिंद के उसूलों पर अमल करता रहूंगा। क्या इस कसम का पास व लिहाज भी अब कुछ लोगों ने रखा है या नहीं? अगर वाकई अपनी कसम के साथ इंसाफ अगर ये कर रहे हैं तो फिर जय जगन्नाथ का नारा भारत का मुस्तकबिल तय करने वाले वो नौजवान उन तालिबे इल्म के सामने मखसूस मजहब के वो भी सैफ सिद्दीकी के सामने कहना कहाँ तक सही कह सकते हैं? और एक धर्म की हिमायत इसे क्या एक धर्मनिरपेक्षता की पाठ पढ़ाने वाले सबक के एक मुखिया के मुंह से ठीक लगता है? पहले इस वीडियो को देखिए, फिर जो कसम वज़ीर आज़म ने खाई है उसे भी सुनते। आदरणीय सैयद सिद्दीकी हुसैन माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करें। जय जगन्नाथ सर। नमस्ते सर। सुनाई दिया? जय जगन्नाथ। यस सर। जय जगन्नाथ। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। और इस तरह के बयानात इससे पहले भी कई बार दे चुके हैं, फिर उसी नहज पर प्रधानमंत्री को देखा जा रहा है। इसी तरह राजस्थान जोधपुर में मुस्लिम नौजवान की दुकान फिरका परस्तों की जानिब से जला दी गई। ईद के रोज ईदगाह का गेट हिंदू मोहल्ले की तरफ करने पर बहस हुई, फिर पथराव भी हुआ। हरियाणा, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में ईद उल अदा के मौके पर कई वारदातें पेश आई। इसका मतलब यही होता है कि आज भी नफरती गिरोह जिंदा है। खैर, नफरती गिरोह तो अपने उस मौकूफ पर आज भी कायम है, पर इन तमाम वारदातों के मद्देनजर मुसलमानों में किसी तरह का कोई तबादला ख्याल देखने को नहीं मिलता। इंडिया गठबंधन को कुछ सीटें ज्यादा बढ़कर आई है और एक मजबूत विपक्ष भी खड़ा है। क्या यही मुसलमान कामयाबी समझ रहे? यकीनन विपक्ष से यही उम्मीद की जा सकती है कि मुल्क संविधान के तहत ही चलेगा, लेकिन नफरत गिरोह फिर से उसी पहले वाली नहज पर चलने की फिराक में है। कर्नाटक में भी कांग्रेस की हुकूमत है और हो सकता है यहां भी फिरका परस्त में फिर से सरगर्म हो जाए, क्योंकि अभी हाल ही में जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें भाजपा को अच्छी खासी जीत मिली हुई है। लिहाजा मुसलमानों को बतौर कौम कुछ फैसले लेने होंगे। आपसे इत्तेहाद का मुजाहरा जरूरी है, पर देखने को मिलता है कि लोकसभा चुनाव ही इनके लिए एक जंग की तर्ह था, जिसमें मस्जिदों से तो छठा फर्ज होने के फैसले सुनाए गए, छठा फर्ज करार देकर वोटिंग फीसद को बढ़ाया गया। कर्नाटक में 5 गारंटियों के बावजूद भी भाजपा को जीत मिली, ये भी लम्हे फिक्र है। मतलब आज भी धर्म की राजनीति कहीं तो चल रही है। इंडिया गठबंधन एक सेक्युलर मोर्चा जरूर है, लेकिन मौजूदा ईद के दौरान हुई तशद्दुद पर किसी तरह का कोई बयान अब तक नहीं दिया गया। अपने आप को सेक्युलर कहने वाले कब कम्युनल हो जाते हैं ये कभी पता नहीं चलता, और ये इस मुल्क का कालमिया भी है और इससे अफसोसनाक मकाम भी कह सकते हैं। किसी भी पार्टी पर मुकम्मल भरोसा रखने की बजाय कुछ कौमी सतह पर हरकत जरूरी है, लेकिन मुस्लिम माशरा आज भी गफलत में है, इतना जरूर है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।